जल्दी अमीर बनने के लिए पति पत्नी ने बैंक का किया 99 लाख रुपए का गबन, 2 साल बाद गिरफ्तार। पार्किंग खाता इंचार्ज के पद पर थी निक्की सेठी। FIR दर्ज होने के बाद से दोनों चल रहे थे फरार। सूर्यनगर स्थित किराए के मकान से किया गिरफ्तार। पुलिस ने निक्की व पति योगेश को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने महल चौक SBI बैंक से 99 लाख से अधिक रुपए का गबन करने के मामले में पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाने की SI कांता कुमारी ने बताया कि बैंक मैनेजर अंशुमान ने बैंक कर्मचारी निक्की सेठी के खिलाफ 99,44,000 रुपए का फर्जी वाउचर बनाकर फर्जी तरीकों से अलग अलग खाते में पैसे ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला निक्की व उसके पति योगेश को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी स्कीम नंबर 10B हाउसिंग बोर्ड दीवान जी के बाग के निवासी हैं, जो सूर्यनगर के किराए के मकान में पहचान व नाम बदल कर रह रहे थे। पुलिस ने कहा कि इनको रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी। इनका पुराना क्राइम रिकॉर्ड भी तलाशा जा रहा है। पुलिस ने कहा कि जल्दी पैसे कमाने की चाहत में दोनों पति पत्नी ने योजना बनाकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। बैंक मैनेजर श्री अंशुमन जी SBI बैंक शाखा महल चौक ने दिनांक 6/9/2022 को थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था कि हमारे SBI बैंक में पदस्थापित निक्की सेठी, जो पार्किंग खाते की इंचार्ज है, जिसने 99 लाख रुपए का फर्जी वाउचर बनाकर अनाधिकृत 20 अनाधिकृत खातों में ट्रांसफर कर लिए। कहाँ के रहने वाले हैं आरोपी? निक्की सेठी ये और इसके पति ने मिलकर ये गबन किया है और इन्होंने 20 खातों में 99 लाख रुपए हैं वो बैंक के फर्जी वाउचर बनाकर ट्रांसफर किए हैं। निक्की सेठी और ये योगेश है, ये स्कीम नंबर 10 हाउसिंग बोर्ड अलवर के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ 420, 409 और 120 BIPC का अपराध प्रमाणित होने पर इनको गिरफ्तार किया गया है। राशि कोई बरामद हुई है? राशि इनसे बरामद नहीं हुई है, 20 खातों में अलग अलग 20 खातों में ट्रांसफर की गई, जिनका रिकॉर्ड बैंक से लिया गया है, जिनसे पुराना मामला है। इतने दिनों में ये अलग अलग जगहों पे छिप रहे थे। कल दिनांक 13/9/2024 को इन योगेश खत्री को सूर्यनगर से दस्तयाब किया गया था और आज सुबह इनको सूर्यनगर में ये कोई किराए का मकान लेकर रह रहे हैं वहाँ पे दस्तयाब किया गया था निक्की सेठी को। दोनों के खिलाफ अपराध 420, 409, 120 का प्रमाणित होने पर गिरफ्तार किया गया। अभी 2024 में ही कोतवाली थाने पर 420, 406 का मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें इनसे अनुसंधान हो रहा है, जिसमें